Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. All right, members. So, welcome to today's session. As I am always with you, Fayaz. And this session is dated on 19 October 2021 at 6 p.m. आज के सेशन में सभी का स्वागत है और मैं हमेशा की तरह आपके साथ हूं फयाज मनोबल टेक्निकल टीम की ओर से और ये सेशन हो रहा है 19 अक्टूबर 2021 की शाम. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो अभी जैसे हमारी बात चल रही थी पिछले सेशन में, वो ये कि हम डिस्कस कर रहे थे इस पे हमारा जो हमने डिस्कस किया था सिलेक्शन कीज और रीडिंग कीज पे, राइट? सो गाइस, उसमें किसी को कुछ दिक्कत है तो वो आप बताइए. अभी फिलहाल आगे जाने से पहले वो उसके बारे में बात करेंगे. सिलेक्शन कीज सबको याद है फ्रेंड्स? सिलेक्शन कीज और रीडिंग कीज. ओके, मैं अभी एक एक सबसे पूछूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी हम आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? सिलेक्शन कीज और रीडिंग कीज दोनों भी. ओके, सो इसलिए मैं यस सर, हमको सर मालूम क्योंकि हम सर ज्वाइन नहीं. अच्छा, कोई नहीं, आपका रिवाइज हो जाएगा, डोंट वरी. यस सृष्टि बोलो. हेलो सर. यस सृष्टि सर, क्लास में नहीं थे हम और सर शायद ड्राइव पे अपलोड नहीं है रिकॉर्डिंग एमएस वर्ड का. ऑलराइट, नहीं यार, एक्चुअली मैं वो रिकॉर्डिंग्स अपलोड यार अब तक शायद हुए नहीं है. मैं शाम सर से बात करूंगा, वो अपलोड कर देंगे वापस. ओके सर. सर अगर हो जाए तो फिर मैं ही अपलोड कर दूंगा खुद कल. ओके सर. यस, एक और प्रॉब्लम है कि जो रिकॉर्डिंग्स है ना, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप एक ऑडियो सेंड करते हैं, आप एक घंटे की और एक वीडियो सेंड करते हैं, क्या वो सिमिलर है? उनमें डिफरेंस क्या है? कोई नहीं, फिर दूसरी वीडियो है. एक ऑडियो फाइल जैसे है. मुझे ना, मुझे किसी को अगर सेंड मुझे सेंड करना होता है वो तो व्हाट्सएप पे ना वो जाता नहीं है, बहुत ही लंबा 1 आवर से भी ज्यादा वो ना सेंड होते होते कहते हैं कि नॉट सेंड. और ऑब्वियसली कैसे जाएगा वो, क्योंकि 1 आवर मतलब देखो हमेशा जो है व्हाट्सएप पे ना 20 MB तक जो भी आप सेंड कर सकते हो वो कर सकते हो, उसके बाद व्हाट्सएप आपको अलग नहीं करता कुछ भी सेंड करने के लिए. तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि अगर दोनों सिमिलर होते हैं या अगर ऑडियो वाली ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो आप उसको जिप करके भेजो ऑडियो. ऑडियो सर मुझे नहीं आता, कैसे करते हैं? कोई नहीं, देखो ड्राइव पे जाओ. ओके, ड्राइव पे वो फाइल सिलेक्ट करो जो आपको भेजनी है. ओके, डबल टैप एंड होम, मतलब डबल टैप और लॉन्ग प्रेस करके उसको सिलेक्ट करो. या पता नहीं आईफोन का जेस्चर कैसा है, वो नहीं पता मुझे, ठीक है? तो उसको सिलेक्ट करो वो जेस्चर यूज करके. ओके, और सिलेक्ट करने के बाद वहां पे ड्राइव के मोर ऑप्शंस में आपको जिप या कंप्रेस ऐसा मिलेगा. ओके, ठीक है, तो उसको कंप्रेस कर लो या जिप कर लो, तो वो जिप या कंप्रेस होके आप सामने वाले को सेंड करो. एक और तरीका, आप डाउनलोड पहले कर लो, उसके बाद व्हाट्सएप में जाओ, जिसकी चैट में आपने सेंड करना है, अटैच फाइल में जाओ और ब्राउज डॉक्यूमेंट में जाकर सेंड करो, तो फिर ऐसे 100 MB तक चला जाएगा, 100 MB तक आपकी फाइल चली जाएगी. अगर वैसे ऐसे भेजोगे शेयर करके तो वो नहीं अलाउ करेगा, अटैच वो आता है ना, अटैच फाइल. हाँ, या तो अटैच कर सकते हो आप, वैसे हो सकता है, वैसे हो जाए. सर वो ऑप्शन मिलता नहीं है मुझे अटैच में, कहाँ? मैसेज के साथ ही तो होता है. देखो मैसेज के बाजू में अटैच नाम से एक ऑप्शन होता है, राइट? आप व्हाट्सएप पे जाओ, किसी भी कोई भी चैट खोल दो एक. इसमें आईफोन एंड्रॉइड पे कोई चक्कर नहीं है, ये तो ऑप्शन सिमिलर ही है, ये व्हाट्सएप के ऑप्शन है, तो अटैच मिलना. देखो आप व्हाट्सएप पे SMS करती हो, राइट? यस सर. हाँ, तो वॉइस मैसेज के बिल्कुल
लेफ्ट साइड की तरफ। सर आप सेशन के एंड में फोन मेरे साथ में रहेगा, थोड़ा बता बताऊंगा, सकते हैं? बताऊंगा बताऊंगा। ओके सर। ओके यस। ओके फ्रेंड्स, सो सिलेक्शन की ओके किसी ने हाथ ऊपर तो किया, मैं देखता हूँ। यस सृष्टि, आप नहीं थी राइट, तो आपको कोई बात नहीं, हो जाएगा आपका। यस अमृतपाल, सर यस सर प्रॉब्लम ये है कि जो आपने ऑडियो अपलोड की हुई है ना, उसमें जो आपकी फर्स्ट थ्री ऑडियोज है वो तो चल जाती है, और जब मैं बाकी प्ले करता हूँ ना तो वो बोलता है फाइल टाइप इज अननोन। फाइल टाइप इज अननोन, यस सर, वो चलती नहीं है, डाउनलोड जैसे होती है ना वैसे होती रहती है, चलती नहीं है। नहीं तो फिर उसको लोड होने दो ना, लोड होने तक का वक्त दो से, क्योंकि बड़ी बड़ी फाइल्स है ना वो। यस सर। और आपके ड्राइव में उतनी स्पेस भी चाहिए? स्पेस तो है सर काफी, पता नहीं क्या होता है उसे। सर ऐसा कई फाइल्स के साथ होता है, तो उसकी नेक्स्ट फाइल को देखो आप। ओके नो वरीज, ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी ये टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछिए। ओके सर, थैंक यू सर। यस यस प्रणव, एम आई ऑडिबल? यस यू आर, गो अहेड। सर मे बी उस क्लास में नहीं था जो अपने सिलेक्शन क्विज और रीडिंग की जो बताई थी, मे बी तो रिकॉर्डिंग मतलब कल तक अपलोड हो जाएगी ना? हो जाएगी, नो वरीज। ओके और अगर नहीं थी तो कोई बात नहीं, हम उसको वापस रिपीट करेंगे आज, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कई साथी थे जिनको शायद हो सकता है वो क्लास वो अटेंड नहीं कर पाते उस दिन पर्टिकुलरली, ठीक है। यस और किसी को कुछ कहना है? ऑलराइट सो फ्रेंड्स, आई थिंक देखिए हमने, अच्छा आप हमें ये बताइए कि ठीक है, मैं फिर से भी वो सिलेक्शन कीज और रीडिंग कीज दोनों भी कवर करूंगा, ठीक है, हालांकि वो कल सेशन आपका अपलोड हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको हम फिर से देखेंगे। ओके सो गाइस, आप मुझे ये बताइएगा कि हम कोई चीज सिलेक्ट क्यों करते हैं, इन जनरली मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं फॉरगेट अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल या एनी फाइल, बट हमें कुछ चाहिए, ठीक है, तो हम कोई चीज सिलेक्शन क्यों देखते हैं, हम सीधे सीधे ले क्यों नहीं लेते? ऑलराइट टू पार्टिसिपेंट्स, अच्छा ये मोनालिशा नाम से किसने ज्वाइन किया है? सर मैं ख्याति। अच्छा ख्याति आप हो क्या? ओके सर। बोलो ख्याति। सर सिलेक्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो चीज चाहिए हम उसको कई सारी चीजों के बीच में से अलग करते हैं, अगर कोई चीज हमको पसंद आई है तो उसको लेने के लिए उसका सिलेक्शन। राइट मुस्कान, महक, सॉरी इन जनरल सर। यस इन जनरल इट ओनली आई एम आस्किंग। यस यस महक सर, सिलेक्शन हम किसी चीज की क्वालिटी देखने के लिए भी क्वालिटी देखने के लिए भी कर सकते हैं, कि बहुत सारी चीजों में अगर हम एक चीज चुनते हैं, चुनते हैं हम इसलिए कि वो है कैसी, उसकी क्वालिटी कैसी है, देखने में कैसी है, फंक्शन। एग्जांपल एग्जांपल बताओ कोई भी एग्जांपल। जैसे हम मैं फोन्स का ही, जैसे हम लोग सभी टेक्नोलॉजी से प्रॉन है, तो मैं टेक्नोलॉजी का ही एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे मोस्ट ऑफ द मतलब जितने भी लोग अफोर्डेबल एप्पल की चीजें अफोर्ड कर पाते हैं, उनको लगता है कि बाकी सभी कंपनीज में से एप्पल की चीजें, एप्पल का मोबाइल फोन, एप्पल के एयरपॉड्स, एप्पल की वॉच ज्यादा अच्छी है उसकी क्वालिटी की वजह से, और दूसरी बात उसकी उसके फीचर्स, उसके फंक्शंस की वजह से। ये भी एक तरह से सिलेक्शन ही हुआ, क्योंकि बाकी और कोई कंपनी उन्होंने चूज नहीं की, सिर्फ एक एप्पल चूज की। क्यों? क्योंकि उसके फीचर्स ज्यादा है उसमें, और दूसरी महंगी भी है वो। ऑलराइट क्वालिटी क्वालिटी वाइज। ओके कूल। और सिलेक्शन हम इसलिए भी कर सकते हैं, जैसे
किसी चीज में हमें चेंज करना हो, इस चीज में हमें चेंज करना हो, जैसे स्टूडेंट्स हैं हम लोग, नोटबुक में जैसे टीचर बोल देते कि ये काम तुम्हारा इनकम्प्लीट है, देखो कहाँ तुम्हारा काम इनकम्प्लीट है, वो तो वो पर्टिकुलर एक पेज सेलेक्ट करते कि इस पेज पे ये वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, वो भी देख के ही पता चलता है, वो भी सेलेक्ट, एक तरह से वो भी सिलेक्शन ही हुआ सर. यस करेक्ट, थैंक यू सर. यस अभिषेक, सर बेसिकली सिलेक्शन हम मतलब मान लो इन जनरल और वैसे भी अगर वर्ड की भी बात करें तो किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं. एक्शन मीन्स अगर जनरल में बात कर रहे हैं तो उसमें हम जैसे किसी चीज़ को लेना है और किसी को हमें गिफ्ट देना है या मतलब वी cannot perform any action without selection. Yes, correct. तो action को perform करने के लिए पहले selection करनी जरूरी है. Cool. Yes. Mr. Roshan Kumar. Yes, sir. Basically जो selection है sir, MS of MS Word में जैसा कि Mr. Abhishek ने बताया और सिलेक्शन सर वैसे बेसिकली कुछ स्पेशल लुक देने के लिए और उसको बेस्ट दिखाने के लिए करते हैं सर. ओके कूल. यस फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ऑल इनपुट्स. ओके सो द गाइस अभी सिलेक्शन हमने देखा कि हम सिलेक्ट क्यों करते हैं अलग अलग चीज़ें. जैसे महक ने फ़ोन का एग्जांपल लिया, हमें कुछ खरीदना है ठीक है, हमें कुछ दिखाना है कि हाँ ये मुझे चाहिए, तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं ताकि शॉपकीपर आपके लिए वो पैक कर सके, है ना. तो सेम अब सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे अगर बात करेंगे इन टेक्निकल टर्म्स तो सिलेक्शन हम क्यों करेंगे. अब देखिए आपने मान लो एक रफ रिज्यूमे तैयार किया है ठीक है, आपने सब कुछ आपका लिख के रेडी है कंटेंट. ओके आपने पहले लिख लिया सब कुछ, तो अब मान लो आपके आपको आपने सारे इन्फॉर्मेशन लिखी है ओके, इंक्लूडिंग योर पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स ओके, आपका आपके ऑब्जेक्टिव्स है ना, और आपके फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस और बस इतने सारे हेडिंग्स अगर आपको देने हैं ठीक है, तो आप क्या करेंगे. अगर पहला हेडिंग आपका है पर्सनल डिटेल्स ओके रिज्यूम में आपके, तो पर्सनल डिटेल्स दिखाने के लिए आपको उसको हाईलाइट करना पड़ेगा राइट. तो हाईलाइट आप कैसे करोगे, या तो उसको आप हेडिंग दोगे अच्छा है ना, हेडिंग वन हेडिंग टू ऐसे कुछ. तो वो करने के लिए कि सिर्फ वही आपको हाईलाइट करना है राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा पर्सनल डिटेल्स जो आपने लिखा है, वो सारे लेटर्स या कैरेक्टर्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके उस पर कुछ एक्शन होगा है ना. जैसे मान लो कि बहुत सारे एप्पल्स आपके पास पड़े हैं ठीक है, तो कोई उन एप्पल्स में से आपको एक खाना है ना, एक के ऊपर आपको एक्शन लेनी है, तो एप्पल्स को उन एप्पल्स में से आप एक सिलेक्ट करोगे है ना, और उसी को खाओगे राइट. सो वो एप्पल आपको खाना है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसको हाथ में लेना पड़ेगा राइट. एप्पल खुद ना कुछ चल के थोड़ी आएगा आपके पास है ना. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन. ओके अब बात करते हैं रीडिंग कीज और सिलेक्शन कीज की. ओके सो फ्रेंड्स हमने बात की थी पहले. ओके मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ. ओके Media controls. Yes, I think Nazneen. Yes, sir. Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Faster, faster, slower, 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 slower. All right. Running applications list box. Meeting control to escape. Start button unavailable to activate. Meeting controls to move to an item. Press the arrow keys. Meeting. Fast, faster. All right. Windows D, folder view list view, enable India spelling tool, 6 of 25. Speed काफी है?
Yes, sir. Sir, itni theek hai. All right, friends. Alert, participants can now see your screen. Okay, sir, main yahan pe ek file open karunga. Meri wahi file hai. Windows D. Theek hai. M. Windows D, enable India spelling tool. M, Microsoft Edge. M, Microsoft Excel. Ye file open kar raha hu main. सर हम भी अपनी सर हाँ आप एक कोई फाइल ओपन करो आपके अगर वर्ड में है ठीक है है सर है वर्ड की कोई भी कोई सी भी फाइल ओपन कर लो ओके जिसमें आपने सिर्फ कंटेंट लिखी हुई होनी चाहिए या फिर ब्लैंक भी चलेगी लिखी हुई या फिर उसमें कुछ लिख लो ओके सर ब्लैंक फाइल में कुछ लिख दो आप यस सर खोल रहे Microsoft Excel left bracket compatibility mode right bracket edit. Lang. On financial business decision, large. Lang. Heading level 2 analysis of okay. data involves colon. So guys, dekhiye. Abhi mere paas theek hai. Ab mujhe jaise maan lo ki main dusri file open kar raha hu. Theek hai, yahan pe to khair kuch nahi. Main dusri file open karta hu. Windows R. Run dialog. Type the name of a double I N double O R D. Winword, enter, folder view, list view, Microsoft Excel 21 of 25. To move to items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Winword, open ho raha hai. Tap meeting control, zoom, WhatsApp, document, Microsoft meeting, zoom, WhatsApp, document 1-word. Document 1-word, okay. edit. So friends, Lang. Aapko abhi screen dikh rahi hai. Mere saamne mere ek blank document khola hai, wo dikh raha hai? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So, yes, sir. Dekhiye. अभी सिलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ओके सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा मुझे मेरी डिटेल्स देनी है मान लो ठीक है तो मैं यहाँ पे दूंगा पर्सनल डिटेल्स ठीक है तो पर्सनल डिटेल्स में मुझे देना है मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पहले तो ओके पर्सनल डिटेल्स ठीक है पर्सनल डिटेल्स ठीक है अब मैं यहाँ टाइप करूंगा M Y M A M M A N Y M Lang Enter N A I M E Name colon space F A I Y A File Space Miss Y I A F F A I Y A Z Phase A T T A R Enter period Enter A D D R E S S address colon space M A N O B A L manable P R O J E C T project space D E E S T A M B H Houston F O U N D A T I O N foundation comma space B E H I N D behind J A L G A O N Jalgaon D I S T I C T District C O R T E E T R R T Court comma space N E A R near S A I Y O G say I G G C R I T I C A L critical H O S P O O I T A L hospital space comma space J A L G A O N enter enter यहाँ पे लिखूँगा E M A I L email I D I D colon space F A I Y A Z A T T A R 1994 Fayazadr 1994 at G M A I L gmail C O M com enter Email ID colon link Fayazadr blank. ठीक है. Email ID blank. अब यहाँ पे मैं दूंगा और यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर दूंगा. Sir. C O N T A C T contact N U M B E R number. Sir, आप line change कर लिख रहे हो या साथ ही लिख रहे हो? ना line change कर रहा हूँ मैं. Okay. Yes. अभी यहाँ पे number दे रहा हूँ अपना. 9657724559 period enter contact number colon 9657724559 okay, so personal aapne mujhe ab maine yahan pe mere sare details de diye okay
फ्रेंड्स अभी मैं क्या करूंगा, अभी ये तो मैंने मैंने अपने पर्सनल डिटेल्स दे दी जो मुझे देने थे, ठीक है। अब मैं एजुकेशनल डिटेल्स दूंगा, यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स के लिए टाइप करूंगा education education space n o r t a c u d e e c y y c d y y d d u c a t i o n a l educational d e t a i l s educational details, details. Colon, enter p a s s e d past m y y g r a d u A T I O N graduation F R O M from F E R G U S S I O N percussion space Miss O I S S U G R E F F E R G U S S O N percussion C O L L E G E college I N N T A E the Y E A R year O F of 20202602016 2016-17 period enter pass my graduation from Ferguson College in the year of 2016-17 मैं लिखूंगा नीचे blank दूसरा p a s s e d past m y my 1 2 t h 12 f r o m from f e r g u s s I I o n Ferguson C O L L E G E college F R O M from M O R F I N N T A E the Y E A R year 2013-14 period enter pass my 12th from Ferguson College in the year 2013-14 ab main likhunga yahan pe blank P A S S E D past M Y my 1 0 T H ten S T A N D E R D standard I N N T A E the Y E A R year O F of past yes wait 20 1/1/2011-12 period Pass my 10th misspelled standard in the year of 2011-12. So, ये हमने इतना सब कुछ लिखा है, ठीक है? So, मैं भी इतना सब कुछ आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि हमने select करना है, ठीक है? अब देखिए. Pass education, blank, contact number, email, blank, host, address, colon, name, blank, personal details. Okay, देखिए अभी एकदम बिल्कुल top में हमने लिखा है personal details, ठीक है? तो सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि आप क्या दिखाना चाहते हो या आपको क्या highlight करना है, ठीक है? आपको personal details highlight करनी है, ठीक है? अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज आपको हाईलाइट करनी था उस इम्पोर्टेंट चीज को हमेशा फॉर्मेटिंग करनी चाहिए, तो जिसके लिए सिलेक्शन जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन नहीं करोगे तो कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि आपको क्या आपको किस चीज पे एक्शन लेनी है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे ओके ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेरा फोकस बिल्कुल टॉप पे है, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, या तो आप ओके वेट यस। सो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, हम जो है हम अभी देखते हैं सिलेक्शन कैसे हम कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स देखिए अभी मैं सब लिखा हूँ, इतना सब मैंने लिखा है, ठीक है? Personal details. पहले रीडिंग कीज समझते हैं, ओके? तो रीडिंग कीज के लिए हम यूज करेंगे, हमें अगर रीड करना है लेटर बाय लेटर, ठीक है? तो हम यूज करेंगे लेफ्ट राइट एरो कीज। देखिए P E R S O N November personal इस पे उसने रीड कर दी। Lima space D E T A I L S period blank blank N A M E cold space F A I Y A Z space A T C A आपको अगर पीछना है तो आप एरो प्रेस करो, पीछे पीछे आओगे आप। T T A space Z A Y I A F space cold E M A N blank blank period S L I A T E D space L A N O S R E P okay E P top blank personal details blank name colon fa blank personal details blank name colon fa is adder
address hospital, address colon, name colon, address colon, misspelled, manable project, misspelled, deep stone foundation, behind name, flat, personal details. मतलब हमने देख लिया selection letter by letter. अब word by word अगर आपको read करना है, ठीक है, मतलब word by word अगर आपको read करना है तो हम press करेंगे control left right, okay? So देखते हैं personal, मैं control press करके रख रहा हूँ, ठीक है? Details, details, name, period, land, land, name, colon, phase, adder, period, land, address, colon, misspelled, manable, project, comma, misspelled, deepstone, foundation, comma, behind, Jelgaon, misspelled, district, misspelled, comma, near, misspelled, critical, hospital, तो comma, Jelgaon, period. Word by word. और आपको एक बात भी याद रखनी है कि हम जब पढ़ते हैं तो focus भी आपका उस word पे move होता है, ठीक है? Cursor भी आपका word by word ही move होता है और आपका jaws भी words को पढ़ता है, ठीक है? और वैसे ही same हमें अगर सेंटेंस रीड करना है तो हम प्रेस करेंगे अल्ट अप एरो, अल्ट डाउन एरो, ठीक है? अगर मान लो आपके एक पैराग्राफ में मान लो आपके पांच पांच छोटे छोटे सेंटेंस हैं तो आपको सिर्फ सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है उस पैराग्राफ में, ठीक है? तो आप अल्ट अप एरो, अल्ट अल्ट डाउन एरो का यूज कीजिए, ठीक है? तो इट विल रीड योर सेंटेंस बाय सेंटेंस, ओके? उसके बाद अगर हमें पैराग्राफ टू पैराग्राफ हमें रीड करना है तो उसके लिए है, सॉरी लाइन बाय लाइन अगर हमें रीड करना है तो उसके लिए है ऑब्वियसली अल्ट सॉरी डाउन एरो और अप एरो, ओके? अप एरो फॉर प्रीवियस लाइन, डाउन एरो फॉर नेक्स्ट लाइन, ओके फ्रेंड्स? सेम वे अगर हमें रीड करना है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, ओके? सो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीड करने के लिए हम क्या करेंगे कंट्रोल अप एरो फॉर प्रीवियस पैराग्राफ, कंट्रोल डाउन एरो फॉर नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके? सो आपको ये बात, ये सिलेक्शन कीज याद रखनी है, ओके? ये रीडिंग कीज है, ठीक है? सो सिलेक्शन कीज को इस्तेमाल करने के लिए गाइस बस एक ही फंडा, एक सिंपल फंडा, ओके? हमेशा याद रखिए, ये सिंपल फंडा ये है कि जो भी की कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो उसके आगे बस शिफ्ट लगा दो, दैट्स इट। अगर आप वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हो या लेटर को सिलेक्ट करना चाहते हो, आप रीडिंग के लिए क्या करते हो, लेफ्ट राइट कीज रीडिंग के लिए यूज करते हो, राइट? तो यूज शिफ्ट लेफ्ट राइट, शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट, ओके? शिफ्ट राइट करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा और शिफ्ट लेफ्ट राइट करोगे तो वापस से अनसिलेक्ट हो जाएगा जो सिलेक्ट किया आपने, ठीक है? तो यूज शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट एरोस, ओके? अगर सेम अगर आप वर्ड के लिए यूज कर रहे हो, वर्ड रीड करने के लिए आप यूज करते हो, वर्ड रीड करने के लिए आप यूज करोगे कंट्रोल लेफ्ट और कंट्रोल राइट एरो, राइट? कंट्रोल लेफ्ट एरो फॉर प्रीवियस वर्ड और कंट्रोल राइट एरो फॉर नेक्स्ट वर्ड, ओके? सो आपको अगर सिलेक्ट करना है वो वर्ड तो यूज शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो और शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, इट विल सिलेक्ट योर वर्ड, ओके? जहां पे आपको एक्शन लेनी है ना? अगर आपको मान लो कि लाइन सिलेक्ट करनी है, ठीक है, तो यूज शिफ्ट डाउन एरो, इट विल सिलेक्ट द लाइन, ओके? अदरवाइज शिफ्ट डाउन एरो ओनली, ठीक है? तो यूज शिफ्ट डाउन एरो लाइन के लिए. अगर आपको सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो यूज ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, क्योंकि ऑल्ट डाउन एरो तो आपको पता है, हमने देखा अभी कि रीडिंग करने के लिए, मतलब सेंटेंस रीड करने के लिए हम ऑल्ट डाउन एरो यूज करते हैं, ठीक है? तो बस उसके पीछे शिफ्ट लगा दो की कॉम्बिनेशन में, है ना? तो वो सिलेक्ट हो जाएगा. आप कोई शक नहीं सर? आप उस लाइन में हो ना, हो सकता है आप कहीं भी हो उस लाइन के, मतलब मान लो उस लाइन में आप कहीं भी हो सकते हो, राइट? जैसे कि उस लाइन में आपने 10 सेंटेंस लिख 10 लेटर 10 कैरेक्टर्स लिखे हैं, राइट? तो हो सकता है आपका फोकस फिफ्थ कैरेक्टर पे हो. तो हमेशा क्या करो, जब भी आप सिलेक्ट करना है ना उस लाइन को आपको, तो उस लाइन में जाके आपको होम की प्रेस करनी है, होम. तो क्या होगा,
उस लाइन के बिल्कुल शुरू में कसाया जाएगा आपका, और फिर सिलेक्ट करो उस लाइन को। ओके ओके सर। सर अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ना हो, जैसे हम माने कि पूरा पैरा एक बार ही रीड करना है, तो पूरा पैराग्राफ, यस पूरा पैराग्राफ के लिए मैंने बताया ना अभी कि आपको अगर रीड करना है पूरा पैराग्राफ, तो कंट्रोल अप एरो हम यूज करेंगे प्रीवियस पैराग्राफ के लिए, पहला वाला पैराग्राफ रीड करने के लिए, ओके ऊपर वाला, और नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करना है तो कंट्रोल डाउन एरो। अगर उसको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो यूज शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, यूज शिफ्ट कंट्रोल अप एरो, ऐसे। ठीक है, ये सिलेक्शन कीज और रीडिंग कीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूं आज। ओके समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? यस सर। यस यस सर, वेरी गुड। यस ख्याति, आपको कुछ कहना है? यस सर। हां बताओ सर। मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी आपने बताया कि जैसे मुझे कोई लाइन सेलेक्ट करनी है, तो अगर मैं उसके किसी कैरेक्टर पर हूँ, अगर मैं थर्ड कैरेक्टर पर हूँ और मुझे पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है, तो मुझे उसके फर्स्ट कैरेक्टर पर जाना होगा और तब सेलेक्ट करना होगा उसको। लेकिन सर अगर मैंने बीच में ही कर दिया तो क्या पूरी लाइन सेलेक्ट नहीं होगी? ना, फिर वो जहाँ पे आपका फोकस है ना वही से लेके तो एंड तक सेलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। और सर अगर एक लाइन में मुझे 20 कैरेक्टर्स हैं, तो मुझे फिर कई बारी सर फिर उसको मतलब कई बारी पीछे जाने के लिए कई बारी टैप करना पड़ेगा ना सर? हाँ, लेफ्ट राइट, मैंने बोला ना कि आपको रीड करने के लिए, नेविगेट करने के लिए लेटर बाय लेटर लेफ्ट और राइट कीज है, राइट। लेकिन आपको पता है कि आपको शुरू के लिए फर्स्ट लाइन में सिलेक्ट करना है, शुरू से सिलेक्ट करना है वो लाइन, राइट। तो आप सीधे आप फिर होम की यूज करो ना, हमने देखा भी था, राइट। हम सिलेक्शन कीज और नेविगेशन के टाइम में हमने देखा भी था कि अगर आपको टॉप ऑफ द पेज जाना है तो कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, बॉटम ऑफ द पेज के लिए नो सर। यस सर, कंट्रोल एंड उसके लिए सर। हां कंट्रोल एंड उसके लिए है, बॉटम ऑफ द पेज के लिए, बिगिनिंग ऑफ द लाइन के लिए है होम सिर्फ, और एंड ऑफ द लाइन के लिए एंड। ओके सर, ठीक है, हां ऐसे। ओके सर, थैंक यू। यस हां, और कोई? हेलो सर। यस निष्ठा। हां तो लाइन के लिए होम है, अगर स्टार्टिंग में जाना नहीं तो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में वैसे जाने के लिए कोई शॉर्ट कमांड नहीं है, ठीक है। आपको फिर लाइन बाय लाइन ऊपर जाओ, ठीक है, और बिल्कुल आपने बताया था लास्ट टाइम कंट्रोल ओ नहीं रे, कंट्रोल ओ नहीं है वो सर, बताया था। अरे बाबा, कंट्रोल ओ नहीं है बुलबुल। ओके सर। यस हां, यस निष्ठा। हां तो जैसे होम दबाते उनको पता चलेगा ना ये उन पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आ गए? नहीं वैसे नहीं, आपको देखो, होम जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सिर्फ लाइन के शुरू में जाने के लिए है। अच्छा ओके, अगर आपको पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जाना है तो आप मोबाइल, आप पहले नेविगेट करो, लाइन बाय लाइन नेविगेट करो, ठीक है, उस पैराग्राफ के और जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि यहाँ से मेरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, उस लाइन पे रुक जाओ और वहाँ पे होम की प्रेस करो। मतलब वो गेस हो रहे हैं। हाँ गेस हो रहे हैं, मतलब कन्फर्म नहीं है कि वही लाइन वही पैराग्राफ की शुरुआत होगी। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब आप बोल रहे हो ना ये होम दबाना है या, तो वो सिर्फ लाइन के बिगनिंग में आता है ना? हाँ वो लाइन के लिए है, लाइन के लिए है। ओके यस, ऑलराइट। सो फ्रेंड्स अभी हम जस्ट फॉर्मेटिंग देखेंगे पहले, और हम देखेंगे हम क्या क्या सीखने वाले हैं अभी फॉर्मेटिंग में आने वाली चीजों में,
ठीक है। तो फ्रेंड्स गाइस, अच्छा मुझे ये बात बताइए कि वेट, अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। हमने रीडिंग कीज और सिलेक्शन कीज तो देख ली। Tasks with meeting controls. Meeting controls. Yes. Okay. So friends, अब हमें चाहिए कि formatting क्यों important है, ठीक है? So friends, आपको क्या लगता है formatting क्यों important है? या फिर क्यों करते हैं हम? क्यों ज़्यादा ज़रूरी है formatting? Raise your hands. Yes, Abhishek. Wow. Cool. क्या बात है, क्या बात है। यस अभिषेक बोलो आप। हाँ जी सर, सिंपल और बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देने के लिए। यस ओके गुड नाइस। यस यस थैंक यू अभिषेक। यस महक। सर जैसा अभिषेक भैया ने बोला, मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि जो फॉर्मेटिंग होती है बेसिकली हमारे काम को, जैसे लिख तो नॉर्मली लेते हैं, काम तो सभी नॉर्मली कर देते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग होता है एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। ताकि अच्छा मुझे एक बात बताओ कि हमें अट्रैक्टिव लुक क्यों देना है लेकिन? सर जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, हम जैसे क्लास में स्कूल में किसी को जैसे प्रोजेक्ट, हमारी टीचर्स हमें बोलती हैं कि प्रोजेक्ट बनाना है, चाहे वो प्रोजेक्ट पावर पॉइंट पे होता है चाहे वो वर्ड पे हो सकता है, वो प्रोजेक्ट है। अब काम तो नॉर्मली सभी करके देते हैं, वो तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा ना, मतलब काम कर दिया और भेज दिया, एकदम नॉर्मल से लगेगा। वही सब कुछ आ गया ना प्रोफेशनल लुक देने के लिए। मींस मतलब अपने काम के लिए तो हम नोटपैड में अपने लिए काम करके रख सकते हैं रफ वर्क के लिए, जब हमने प्रोफेशनली उसको देना किसी को तो बस उसी के लिए फॉर्मेटिंग, एक अच्छा इम्प्रेशन के लिए कि मतलब इसे। यस गुड सर, क्या मैं सही पॉइंट पर आई? हाँ सही हो वैसे, ठीक है, मतलब सही कह रहे हो, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। ओके डोंट वरी। ओके लेकिन मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। यस तरुण। यस सर। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि एसएम फॉर्मेटिंग के लिए अपने वर्क जो करते हैं वो किसी को दिखाने के लिए, हमारी जो फॉर्मेटिंग होती है वो किस तरीके से होनी चाहिए, मतलब जो हम लिख रहे हैं उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो किस तरीके से है, तो ये भी चीज डिपेंड करती है। और सामने वाले को दिखाना है तो उस पे मतलब उसको कैसा चाहिए, ये भी चीज डिपेंड करती है। प्लस बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फॉर्मेटिंग के समय ध्यान रखनी चाहिए। ओके ऑलराइट वेट यस मोहम्मद एहतेशाम। यस सर। सर एक्चुअली मैं फॉर्मेटिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि लाइक डेकोरेट बोल सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें किसी को लेटर लिखना है तो उसके लिए फॉर्मेट होता है और दूसरे वर्क के लिए। सर ओके यस यस राधिका। सर फॉर्मेटिंग सर हम किसी चीज को अच्छे से और अच्छा बनाने के लिए करते हैं, जैसे अगर हमने किसी को कुछ प्रेजेंटेशन अपनी दिखानी है, अच्छा लुक देना है, तो हम अच्छा लुक इसीलिए देते हैं कि लोग उस चीज को देख के प्रभावित हो। गुड वेरी गुड निष्ठा। हाँ तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, ये अगर कोई स्पेलिंग वेलिंग गड़बड़ हो या ग्रामर ही गड़बड़ हो तो वो भी ठीक हो जाता है। ओके मनोज। यस मनोज। सर आई एम ऑडिबल। यस यू आर गो अहेड। सर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है, जैसे हम वर्ड पे फॉर्मेटिंग कर रहे हैं सबसे पहले हमें पेज बॉर्डर देना होता है,
ठीक है, फिर हमें जो हेडिंग लिखी है वो थोड़ी हमें बोल्ड रखनी पड़ती है, जो नीचे का कंटेंट है उससे थोड़ा थोड़ा बड़ा साइज होना चाहिए और बोल्ड में होना चाहिए और उसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है, ताकि पता चले ये हेडिंग है। ओके हाँ जी Alright. और जो पॉइंट है वो नंबर बोल्ड में होने चाहिए, नंबर नंबर वाइज होने चाहिए, 1, 2, 3 करके। जी सर नहीं, वो अगर सीक्वेंस है तो नंबर में, अगर अनसीक्वेंस है तो बुलेट में। हाँ जी पॉइंट। यस बोल बोल। पॉइंट था बोलो। टू प्रेजेंट डबल सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स वर्क, टू प्रेजेंट डबल वर्क डिफरेंट फ्रॉम अदर्स वर्क, इट कैन बी अ पॉइंट। यस यस नाज़नीन बोलो। सर हम जब लिखते टाइम में कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं फुल स्टॉप देना हो या फिर हमें कैपिटल लेटर्स लिखने हो बीच बीच में, तो वो भी हम डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते चले जाते हैं और कैपिटल देना भूल जाते हैं, तो उससे भी वो भी लुक उसका देने के लिए। और कुछ कुछ पॉइंट्स हमें सेंटर्स सेंटर में लिखने होते हैं वो भी उसका, जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो पूरा उसका लुक सही से दिखाई देता है। करेक्ट करेक्ट। एक बात बतानी थी, मोबाइल के लिए तो मैंने ये एप्स ढूंढ लिया है जिससे बहुत अच्छे से फॉर्मेटिंग होती है, बट यस लैपटॉप के लिए मुझे ढूंढने पड़ी ना। फोन के लिए भी हम कर सकते हैं ठीक है, लेकिन उसके अलग की कॉम्बिनेशन, उसका अलग मसला है ठीक है, लेकिन हम उस पर बात करेंगे, डोंट वरी, बाद में जब हम फोन के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे। मैं एप्स की बात कर रही हूं, लेकिन हमारा ये टॉपिक वो नहीं चल रहा है ना। बिल्कुल ओके सर, थैंक यू। मैंने आपको कितनी बार बोला इस मतलब इन सेशंस में कि जो इस टॉपिक से रिगार्डिंग है वो इस टॉपिक के आसपास ही पूछा करो। वैसे भी हम सभी सेशंस मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं, राइट, इजंट इट? नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। सो ओके, सो फ्रेंड्स हमने देखा अपने बार अपने सबने बोला कुछ कुछ, अपने अलग अपने अपने अलग अलग व्यूज दिए ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने देखा हमेशा, देखिए राइटिंग स्किल्स आपने आपने सीखी होंगी राइट, स्कूल में या फिर आपने कई सारे वेबिनार्स अटेंड किए होंगे राइटिंग स्किल्स के ऊपर, है ना। तो राइटिंग स्किल्स में जब हम कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ठीक है, इन जनरल भी, ओके इन जनरल भी, अगर टेक्निकल टर्म्स को फिलहाल के लिए छोड़ दें ओके। अगर मान लो कि आपको कोई प्रोफेशनल लेटर तैयार करना है ओके, सो उस प्रोफेशनल लेटर्स को तैयार करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं। सो वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं? अब मान लो आप प्रोफेशनल लेटर्स तैयार कर रहे हो ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, जिसके नाम से आप लेटर तैयार कर रहे हो उसको कवरिंग होना चाहिए, कवरिंग पेज उसके नाम से होना चाहिए राइट। सो कवरिंग पेज होना चाहिए राइट, उसका नाम होना चाहिए उस कवरिंग पेज पे, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन ठीक है। और मान लो कि मैं लीव के लिए एप्लीकेशन डाल रहा हूँ ठीक है मनोवल में, तो मन मेरे ऊपर हमारे ऊपर कौन है जो ये सब चीज़ें देखते हैं, वो हमारे एडमिन ऑफिसर हैं ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले डेट लिखूंगा, तो डेट हमेशा कहाँ आती है लेटर्स में, कौन बताएगा? हम जब कोई लेटर लिखते हैं डॉक्यूमेंट तो डेट हमेशा कहाँ आती है? सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में सर। लेफ्ट साइड में? आई डोंट थिंक सो, लेफ्ट साइड में नहीं, लेफ्ट में ही होती है सर कुछ, अभी मतलब राइट में लिखना शुरू कर दिया सर, सेंडर्स एड्रेस के बाद आती है, लेफ्ट में ही होती है, लेफ्ट में ही होती है सर, लेफ्ट में होता है, राइट में होता है, राइट एक्चुअली मैंने राइट में देखा है सर, लेफ्ट में होता है हमारी राइटिंग स्किल्स में, सर लेफ्ट में होता है आजकल ना कुछ लोगों ने शुरू कर दिया राइट में लिखना, आया सुना है लेफ्ट में, सुना है लेफ्ट से ही चलता आ रहा है। पहले हमारे गवर्नमेंट में सब लेटर में राइट में ही होता है। हाँ तो यहाँ देखो, यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स है ठीक है, तो वो कैसे रहता है देखो, अभी अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है, तो उन्होंने अगर आपको एक फॉर्मेट दे दिया है कि हमारा कौन सी चीज कहाँ दिखनी चाहिए, अब देखिए हमारा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है
ठीक है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट क्या है, पहले हम टू लिखेंगे, उसके बाद टू के नीचे उस पर्सन का नाम और पोस्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद डेट आएगी, डेट डेट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं कि आपको डेट पेज के राइट साइड में लिखनी चाहिए, ठीक है, राइट साइड में टॉप में सबसे ऊपर डेट, ओके, सो डेट वहां लिखते हैं हम, ओके okay? अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग स्टैंडर्ड्स या फंडे हो सकते हैं, ठीक है, सो आपको पहले डिसाइड ये करना है कि आपको आप कहाँ पे काम कर रहे हो और आप क्या लिखना चाहते हो, ठीक है। मान लो कि मेरा एप्लीकेशन है, इन जनरली अगर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स में ऐसे होता है कि सबसे पहले ऊपर डेट आती है, ठीक है, जब आप लिख रहे हो, उसके बाद बिल्कुल मतलब टू में, टू आपका आता है लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आप टू लिखोगे, टू के मतलब टू कॉमा, उसके नीचे एक, उसके बाद एंटर करोगे, मतलब दूसरी लाइन में आओगे और उसके आप उसके नीचे आप लिखोगे मिस्टर योगेश सूर्यवंशी कॉमा स्पेस एडमिन ऑफिसर। ये मतलब हर चीज के बीच में जैसे डेट के बाद टू आता है ना, तो उसके बीच में एक क्या ब्लैंक लाइन भी छोड़नी चाहिए, फिर टू और फ्रॉम के बीच में भी एक ब्लैंक लाइन छोड़नी चाहिए। यस, टू और फ्रॉम के बीच में भी एक ऑनलाइन छोड़नी चाहिए, ठीक है, फिर फ्रॉम और सब्जेक्ट के बीच में भी एक ब्लैंक लाइन होनी चाहिए, मतलब हर चीज के बीच में एक ब्लैंक लाइन चाहिए। Yes. वैसे तो डेट लेफ्ट में ही मतलब टू फ्रॉम सब कुछ लेफ्ट में होता है। Yes. सिर्फ जो देखिए हमने ये देखा है कि जब आपको हाँ मतलब मैंने ये भी देखा है, ठीक है, हाँ टू बराबर टू जो टू का एड्रेस जो है ना वो उस एड्रेस मतलब टू का एड्रेस हमेशा टू के नीचे आएगा लेफ्ट में, और फ्रॉम भी आपका लेफ्ट में ही आएगा। सर, यस, आजकल ना क्या हो जाए कि टू लिखना छोड़ दी है। हाँ, लेकिन देखो छोड़ दिया मतलब ये वैसे नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, वो तो चीजों को शॉर्ट शॉर्ट लोग करते रहते हैं, चलो वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग बात है, उनकी उनकी अलग बात है। हमारे पास भी लेटर्स आते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस से, उसमें तो लेफ्ट में ही होती है डेट, पता नहीं क्यों। ठीक है, हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फंड हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, अब वो डिपेंड ये करता है, ठीक है, डिपेंड ये करता है कि आपको आप कहाँ पे मतलब कहाँ से लेटर आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है। मोस्टली सर अगर परसेंटेज हाई की बात करें ना तो लेफ्ट में ही मिलेगी, आपने जहाँ देखा yes, हो सकती है मोस्टली लेफ्ट में मिलेगी। यस यस सर, तो ये भी हो सकता है, कोर्ट में भी अगर आप जाओगे किसी कोर्ट में, किसी कोर्ट से कोई आपको लेटर मिलेगा या किसी बैंक yes, से मिलता है। सो पर्टिकुलरली इट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेट्स योर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन कमिटेड टू, ओके, सो मोस्टली अभी आप सब बोल रहे हो कि ये लेफ्ट में आता है, तो हो सकता है लेफ्ट में आता हो, ओके, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये हमारा फंडा है, ठीक है, हम हमेशा डेट्स जो है हमारी राइट में टॉप में लिखते हैं, ठीक है। वैसे सर क्या ये लुक अच्छा लग जाता, मतलब केवल डेट राइट में और बाकी सब कुछ लेफ्ट में होता है, बाकी तो लेटर का। देखिए ये मैं टेक्निकल टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, ये हम जो हार्ड कॉपी पे लिखते हैं ना उसकी बात चल रही है, ठीक है, तो हार्ड कॉपी में हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे ये है कि सबसे ऊपर राइट में टॉप में आपको ये लिखना है, ठीक है, आपका डेट, उसके बाद टू के लिए मतलब टू आपको टू फ्रॉम सब्जेक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें लेफ्ट में ही आएंगी, ठीक है, उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है वो भी लेफ्ट में ही आएगा, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो भी डिजिटल आपकी अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो वो सब कुछ आपका एंड में आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने ये भी देखा है
कि अगर डिजिटल सिग्नेचर है, कुछ फॉर्मेट्स में ऐसे भी होता है कि वो सिग्नेचर बिल्कुल राइट में भी कभी कभी आती है, एंड में, टॉप ऑफ द राइट में, सॉरी बॉटम ऑफ द राइट में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो फ्रेंड्स, मैं बेसिकली ये बता रहा था कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं फॉर्मेटिंग के लिए. फॉर्मेटिंग जब कर जब हम राइटिंग स्किल्स हम कुछ लेटर लिखते हैं तो इसके कुछ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं. तो सेम वे अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी है वर्ड में, तो जाहिर सी बात है, अब फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है. फॉर्मेटिंग में हमारा आता है बेसिकली, आपको अगर मान लो कि सबसे पहले आता है फॉर्मेटिंग में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. तो फॉन्ट्स में क्या क्या है, फॉन्ट में हमारे होते हैं स्टाइल्स, है ना, उसके बाद लिखावट है, ठीक है, टाइप, सॉरी हमारे साइज है ना, फॉन्ट्स में और क्या है, फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर है, राइट. तो ये सब चीजों को और अगर अंडरलाइन है, अंडरलाइन कर सकते हैं हम, हेडिंग्स दे सकते हैं, नंबरिंग इन बुलेट्स है, ठीक है, और भी एक फीचर है वो, और अलाइनमेंट, चेंज केसेस में बात की थी, हाँ यस, अलाइनमेंट्स है, हम चाहो तो टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं, चाहो तो सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, चाहो तो राइट में अलाइन कर सकते हैं, ठीक है. अगर मान लो कि मैंने सारा लेटर लिख दिया और सब कुछ अभी लेफ्ट में है, ठीक है, अब मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, तो अगर मैं मुझे सबसे पहले मैंने ऊपर डेट लिखी है, ठीक है, तो डेट को अगर मान लो मुझे राइट साइड में अलाइन करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डेट को सिलेक्ट करूँगा और उसको अलाइन करने के लिए अलाइनमेंट में जाऊँगा, या फिर उसके लिए शॉर्टकट भी है, वो प्रेस करके, जैसे मैं वो शॉर्टकट प्रेस करूँगा तो वो सीधा अलाइन हो जाएगा राइट में, ठीक है. तो इस तरह से आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है. अब तो फॉर्मेट में क्या क्या आता है पहले वो देखते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें अगर टैब्स के बीच नेविगेट करना है, ओके, मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, screen share, zoom meeting, meeting controls. Hello. Yes sir, आवाज आ रही है. Yes, आवाज आ रही है, right? Yes sir, you are audible. Yes, yes sir. Screen sharing. Yes. So friends, अभी देखते हैं, मैं वापस उस फाइल में जा रहा हूँ. Document 1-word to move to an item, address colon, with name, blank, personal details. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? Personal details. अब मैं यहाँ पे, अगर हमें सारे format हमारा अगर open करना है, ठीक है, हमें रिबन्स ओपन करने के लिए हम यूज करेंगे अल्ट की यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे फॉर्मेटिंग एक्शन हमें रिबन्स में मिलते हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा था रिबन सब मेन्यू. तो हम रिबन्स ओपन करने के लिए पहले अल्ट यूज करेंगे, अल्ट से ओपन करेंगे. अपर रिबन, रिबन, होम टैब, द स्विच पेजेस, प्रेस कंट्रोल प्लस टैब, अल्ट फॉलोड बाय एच. कि टैब्स क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टैब्स है इस रिबन्स में, ठीक है. तो पहले है होम टैब, यहाँ पे आपको ये सारे फॉन्ट ग्रुप बॉक्स, कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, और बोल्ड, इटैलिक वगैरह, ये सब ऑप्शंस आपको वहाँ मिलेंगे. अब देखिए, आपको ये बात याद रखनी है कि आपको अगर टैब टू, मतलब एक टैब से दूसरे टैब में जाना है इसमें, ठीक है, तो आप लेफ्ट और राइट की का यूज़ करेंगे. वेट गाइस, हाँ वेट. Leaving menus, Microsoft Zoom, WhatsApp, document, meeting controls. Leaving ribbons, alert, unmute my audio with left paren, alt plus a right paren, or press and hold the space key to temporarily unmute. Alert, audio now muted. Yes. Alert, thank audio you. Now unmuted. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, thank you. Yes, sir. Task switching, document 1-word, okay. So friends, to move to an item, press the arrow keys, document 1-word, edit. May I say, abhi phir se alt key press kar raha hu. Task switching, meeting controls, Microsoft Excel left bracket, Zoom, WhatsApp, document 1-word, document 1-word, edit. Escape.
upper ribbon, ribbon, home tab, the switch pages, press control plus tab, alt followed by H. हमें अगर एक टैब से दूसरे टैब में जाना है, सो पहले टैब देखते हैं क्या है, ठीक है? तो पहला हमारा है होम टैब, ओके? सिर्फ अभी देखते हैं पहले क्या है, ओके? और कैसा हमारा फॉर्मेटिंग के जितने भी एक्शन है वो कहाँ मिलते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देखते हैं पहले, ठीक है? तो यहाँ पे होम टैब पहले, तो ठीक है, अगर हमें होम टैब के सारे ऑप्शंस पे नेविगेट करना है तो हम टैब और शिफ्ट टैब का यूज करेंगे, ओके? तो जिससे हमें होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस है वो सारे मिल जाएंगे। तो अभी मैं टैब की प्रेस करूंगा, होम क्लिपबोर्ड पेस्ट क्लिप बटन प्रेस ऑल प्लस डाउन एरो फॉर मोर ऑप्शंस ऑल फॉलोड बाय एच। उसने बोला पेस्ट, राइट? होम क्लिपबोर्ड पेस्ट क्लिप बटन प्रेस ऑल प्लस डाउन एरो फॉर मोर ऑप्शंस ऑल फॉलोड बाय एच। तो पहला ऑप्शन हमें क्या मिला, पेस्ट का। तो ये कट कॉपी पेस्ट, ये ऑप्शन में से ये पेस्ट है, ठीक है? सॉरी सर, क्या बोला था आपने, क्या किया था अभी? पहले अल्ट की प्रेस की हमने, अल्ट, ठीक है, रिबन्स ओपन करने के लिए। तो इमीडिएटली होम टैब पे हमारा फोकस चला गया रिबन्स में। यस सर, आ गया मेरा भी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमने देखा, उस टैब के अंदर हमें, उस टैब के अंदर के जो ऑप्शन है वो उसको हमें नेविगेट करना है, तो हम यूज करेंगे टैब और शिफ्ट टैब। तो पहला टैब जब मैंने प्रेस किया तो मुझे बोला वो पेस्ट स्प्लिट बटन, क्लिपबोर्ड पेस्ट स्प्लिट बटन, ऐसे बोला, ठीक है? तो मैं भी शिफ्ट टैब, मैं फिर से टैब की प्रेस करूंगा। कट बटन अवेलेबल टू मूव थ्रू द कंट्रोल्स ऑन दिस रिबन, यूज टैब और शिफ्ट टैब और यूज एरो की ऑल फॉलोड बाय एच। अब वो कट बटन अवेलेबल अनअवेलेबल क्यों बोल रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, राइट? हमने कुछ अगर सिलेक्ट किया होता तो वो बोलते कट बटन अवेलेबल, है ना, या फिर सीधे कट बटन बोलता या फिर सीधे कट बोलता, ठीक है? लेकिन वो अनअवेलेबल बोल रहा है वो इसलिए क्योंकि हमने कट करने के लिए कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया पहले, है ना? तो और टैप के अंदर और टैप करेंगे, कॉपी बटन अनअवेलेबल टू मूव फ्रॉम द कंट्रोल्स ऑन दिस रिबन, यूज टैब और शिफ्ट टैब और यूज एरो कीज़ ऑल फॉलोड बाय एच। Format painter button not checked to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Control plus shift plus C comma. Control format plus shift plus V. Format painter button. Office clipboard dot 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 button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Finish option you available है. देखो क्या होगा? अब देखो मैंने ना बहुत सारे मतलब मैंने क्या किया था? मैंने मतलब ये session join करने से पहले मैंने किसी को मुझे लिंक भेजनी थी पर्सनल चैट पे, ठीक है? तो वो लिंक मैंने कॉपी की थी, ठीक है? तो जब तक हम वो कैंसिल नहीं करते स्केप करके या फिर कुछ भी करके ऐसे, या फिर उस कॉपी किए हुए सिलेक्शन को हम कैंसिल नहीं करते तब तक वो वहाँ पे बताएगा पेस्ट करने के लिए भी, इसलिए वो सिलेक्टेड है। कॉपी करने के लिए मैंने कुछ जो किया था सिलेक्शन, अगर मैं यहाँ उसे पेस्ट करूँगा ना तो पेस्ट हो जाएगा इस फाइल में, ठीक है? यस। Font edit combo collapsed. Calibri left parent body right parent to move through the control. Clipboard office clipboard dot 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 button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by H F O. Tab की press करूँगा फिर से. Font edit combo collapsed. Calibri left parent body right parent to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by H F O. Font में क्या है? ये अलग अलग तरह के क्या कहेंगे इसे? Writing format से writing अब जैसे मान लो हाँ, एक मान लो एक तरह की हैंडराइटिंग है, ठीक है, वर्चुअल हैंडराइटिंग। जैसे होता है ना कि अक्सर साइटेड लोग जब लिखते हैं, राइट, तो साइटेड लोग जब लिखते हैं तो क्या होता है, हर एक का हैंडराइटिंग अलग होता है, राइट? हो सकता है निष्ठा की हैंडराइटिंग अलग हो, है ना, या अभिषेक भाई की हमारी हैंडराइटिंग अलग हो। तो इसमें क्या होता है, ये अब ये जो बोल रहा है फॉन्ट कोलन एडिट, Yes. Combo collapsed. Calibri left parent body right parent to move through. तो इसमें ये क्या है? Calibri नाम से font का ही format है। तो जिससे क्या होगा? कि ये font मतलब font का जो भी way of writing है वो change हो जाएगा। ठीक है? अगर इसे हमें navigate करना है इस combo box में, तो हम use करेंगे down arrow up arrow. Agency FP. Calibri. Okay. Calibri. Yes. Calibri light. Calibri. दूसरा font है FP. Agency FP. Algerian. APH Braille. APH Shadow Braille. AP Hand. Aerial. Aerial Black. Aerial Narrow. Aerial Round. Unshrift. 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 Light Semi Condensed. Unshrift Semi Bold. Unshrift Semi Bold Condensed. ठीक है, ये बहुत सारे इसमें फॉर्मेट्स हैं फॉन्ट्स के, ठीक है? Unshrift Semi Bold.
Abstract semi condensed. Abstract semi light. Abstract. LMT. Berlin Sans. Berlin Sans. Bernard. Lacquer. Patonium. 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 Book. Book. Bookshelf. Bradley. Protam. Rosen. Red script. Delivery. Yes. हाँ तो recommend आपको जो किए जाते हैं ना ठीक है recommended आपको अगर regular forms अगर use करने हैं तो हमेशा एक बात याद रखनी है जो आपको रेकमेंड किए जाते हैं रखने के लिए तो वो है आपका रेगुलर दूसरा है नहीं नहीं टाइप कोलैबरी एरियल यस कोलैबरी एरियल और रोमन टाइम्स रोमन टाइम्स न्यू रोमन यस टाइम्स न्यू रोमन ओके सो ये तीन में से आप एक फॉर्मेट कोई भी आपके लिखावट के लिए रख सकते हो ये स्टैंडर्ड्स कहते हैं ठीक है तो मैं फिर से अभी कोलैबरी में जाऊंगा Rush, Rod, Brit, Rat, Book, 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 MT. Lacquer, Bernard, Berlin, Berlin, Bella, Bob, Bass, Obj, 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 Font size edit combo relaxed 11 yes. Remove through the controls on this red alert participant. Sir, सीधा C भी तो कर सकते थे ना कैलिब्रेट. ये combo box है इसमें first letter भी काम करेगा. Sorry? First letter sir font type का press करेंगे ना मान लो times of Roman रखने तो. हाँ वैसे भी कर सकते हो times of Roman करने के लिए T press करो. Yes sir भाई. ठीक है तो आपको जो आप पहले देखो वो font type case में available है क्या. ठीक है तो अभी देखिए यहाँ पे भी combo box है font size edit combo press collapsed 11 to move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow key font size combo box 11 तो यहाँ पे भी आप up down से navigate कर सकते हो ठीक है 12 14 16 18 12 12 12 12 13 14 7 ठीक है लेकिन हम जब normal files मतलब normal की बात normal font size की बात करते हैं तो recommend ये किया जाता है हमेशा आपको आपकी साइज मतलब जो है नॉर्मल लिखावट की वो 11 या 12 रखनी चाहिए उससे ऊपर नहीं चाहिए ओके 10 से 12 कहते हैं सर हाँ 10 भी चलेगी 10 से 12 ओके ठीक है 10 से 12 12 से ऊपर आपकी कोई भी मतलब आपकी फॉन्ट साइज नहीं चाहिए ऐसे रिकमेंडेड है ओके 11 हाँ तो बाय डिफॉल्ट है ना इसलिए वो सिलेक्टेड है 11 यस सर नहीं वो जैसे अगर आप पूरा अच्छा डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो हेडिंग टाइटल्स तो उसके लिए रेकमेंड किया जाता है पैराग्राफ मतलब 2-2 का डिफरेंस होना चाहिए यस तो गाइस जब हम फॉर्मेटिंग एक्चुअली कल से शुरू करेंगे ना ठीक है तो उसमें हम देखेंगे कौन सी चीज का साइज क्या होना चाहिए ओके अब जैसे अभिषेक भाई ने बताया कि हेडिंग की साइज हमेशा बोल्ड होना चाहिए और उसकी साइज जो है 16 तक होनी चाहिए तो उस कोई नहीं हम उसमें बात करेंगे लेकिन हम सारे सिर्फ ऑप्शंस देख रहे हैं Font size edit combo collapse 11 to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use grow font button to move through the controls on this ribbon. Grow font button. Grow font. मतलब font grow होगा. Shrink font button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Menu change case sub menu to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by H 7. Shift 7. Okay. Sorry. ये मैंने tab की press की. अभी उसने बोला change case sub menu. हमने देखा राइट चेंज केस सब मेन्यू मतलब क्या है केस सब मेन्यू हमने देखा क्या रहता है ना हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था उस पे राइट याद आ रहा है किसी को यस सर यस सर हमने देखा था राइट कैपिटल तीन चार तरह के केसेस होते हैं एक अपर केस दूसरा लोअर केस तीसरा सेंटेंस केस और चौथा होता है टॉगल केस ठीक है तो केसेस क्या होता है वो भी हम बाद में देखेंगे डोंट वरी ओके
यस सर याद आ गया टैप की प्रेस कर रहा हूं मैं ऑल बटन देखो यहां पे आपको बोल्ड यस स्टाइल है सारे ठीक है बोल्ड इटैलिक बोल्ड इटैलिक इटैलिक अंडरलाइन स्प्लिट बटन प्रेस ऑल प्लस डाउन अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू बटन ओके स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कौन बता सकता है क्या सर स्ट्राइक थ्रू किस लिए यूज करते हैं हमने किसी वर्ड लिखा है कोई वर्ड लिखा अगर उसके बीच में एक लाइन खींच दे उसे स्ट्राइक थ्रू कहते हैं हां लेकिन वो क्यों रेफर किया जाता है स्ट्राइक थ्रू क्यों करता है कोई तो किसी वर्ड को कट करने के लिए अगर हमें लाइन के बीच में वर्ड नहीं चाहिए वो नहीं उसे हटा भी तो सकते हैं फिर बैक स्पेस से ना मैं बताता हूं उसका रीजन क्या है मैथमेटिकल फॉर्मेट मैथ्स में कुछ वो जो होता है नहीं देखो अगर मान लो एक मिनट सर यस मैंने ऐसा मतलब देखा था कि जैखदा मान लो एक YouTube चैनल का उदाहरण ले लो अगर किसी चैनल को YouTube से हटाना है तो उस पर भी स्ट्राइक दिया जाता है इसी तरह का होता है क्या यस ओके देखिए अब मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि मान लो आपने एक लेटर टाइप किया ओके आपके बॉस ने आपको कुछ डिक्टेट कर दिया और बॉस ने आपको बोला कि ये ठीक करके मुझे दे दो वापस तो आपने क्या करा आप सिरे टाइप किए और आपने उसको फाइनल ड्राफ्ट बना दिया और आपने अप्रूवल के लिए बॉस के पास भेज दिया आपके ठीक है तो बॉस को आपने जो भी चीज़ आपने लिखी है तो हो सकता है कि बॉस आपको ठीक है तो जो चीज़ें आपको निकाल के बाहर फेंकनी है इस लेटर में से ठीक है जो पॉइंट्स निकाल के बाहर फेंकने ऐसे सारे पॉइंट्स पे या फिर ऐसे वर्ड्स पे बॉस क्या करेंगे आपके स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करेंगे ठीक है तो उसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि वो आपको वो उतना कंटेंट निकाल देना है अपने डॉक्यूमेंट में वो यूज़ नहीं करना ठीक है तो ये एक स्टैंडर्ड है ऑफिस में फॉलो किया जाने वाला एक स्टैंडर्ड है ठीक है स्ट्राइक थ्रू का मतलब निकाल लो उस चीज को वहां से स्ट्राइक थ्रू थ्रू मतलब क्या फेंकना टू क्रश समथिंग राइट टू थ्रो आउट राइट तो स्ट्राइक मतलब हाईलाइट किया है उसे आप एक हाईलाइट किया है राइट उस पर क्रॉस बनाया है इसको निकाल के बाहर फेंक दो है ना तो ये हम ऑफिस में यूज करते हैं आपके बॉस आपके लिए हो सकता है यूज करें ऑफिस में कभी कभी ठीक है सो ऑलवेज मेक योर टेक्स्ट वेरी प्रेजेंटेबल ओके यस डोंट वरी जस्ट किडिंग या सर हमारे जो रिटन टेक्स्ट होते हैं उसमें भी ऐसा होता है कहाँ पे बुक्स में सर ना वो स्टैंडर्ड वो देखो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे वो दिखता है ठीक है स्ट्राइक थ्रू वगैरह ओके डोंट वरी ऐसे मैंने देखा है अपनी एनसीईआरटी बुक्स में नहीं वो स्टैंड वो देखो अब वो उसके कॉन्टेक्स्ट भी अलग अलग हो सकते हैं ठीक है डोंट वरी यस नेक्स्ट चलते हैं सबस्क्रिप्ट बटन नॉट चेक टू मूव थ्रू द कंट्रोल ऑन दिस रिवर्स न्यूज़ ऐप क्या होता है कौन बता सकता है सबस्क्रिप्ट सर सर आई थिंक सब्सक्रिप्ट ना इक्वेशन लिखने के लिए यूज होता है मैथ्स की या जैसे केमिस्ट्री की यस सर न्यूमेरिकल्स होते हैं ना जैसे वो यूज करने के लिए यस सब्सक्रिप्ट देखो फ्रेंड्स ओके अब जैसे हम लिखते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट फोर्थ तो हम क्या करते हैं फर्स्ट लिखने के लिए हम यूज करेंगे 1st अब देखो कोई भी आप लेटर उठा के देखो तो वहां पे क्या होता है फर्स्ट लिखने के लिए 1st यूज करते हैं ठीक है तो वो 1st कहाँ आता है 1 के बाद जो st आता है वो थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ आता है st राइट अगर आपने देखा होगा कहीं पे भी ओके अभिषेक आपने देखा होगा राइट तो जब हम फर्स्ट लिखते हैं फर्स्ट ठीक है तो 1 के बाद जो st आता है वो ऊपर की तरफ आता है 1 के है ना तो उसे हम कहेंगे सुपरस्क्रिप्ट
सॉरी सबस्क्रिप्ट ओके यस सर समझ में आ गई सबस्क्रिप्ट बटन नॉट चेक टू मूव थ्रू द कंट्रोल्स सबस्क्रिप्ट बटन नॉट चेक टू मूव थ्रू द कंट्रोल्स ऑन दिस रिबन यूज टैब और शिफ्ट टैब फॉर चीजें हैं फर्स्ट जैसे हम रेफर करते हैं ना अब हम मान लो एग्जांपल के लिए कहेंगे आपने लिखा कि महक इज इन 12th स्टैंडर्ड तो 12th के बाद जो TH आएगा ठीक है 1-2 TH तो वो TH कहाँ आएगा 12th के ऊपर 12th के ऊपर 2 जो है 2 के ऊपर ऊपर की तरफ राइट साइड में ठीक है यस सर यस और अब हम बात करेंगे सुपर सब सुपरस्क्रिप्ट बटन अच्छा, चेक सुपरस्क्रिप्ट की बात कौन बता सकता है सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है पहले तो क्यों यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट जैसे निश्चा ने कहा था वो सुपरस्क्रिप्ट था ठीक है और ये सबस्क्रिप्ट होगा तो सबस्क्रिप्ट हम क्यों यूज करेंगे पहले बताइए फ्रेंड्स सर वो भी इक्वेशन के लिए सॉरी सॉरी सर ज्यादातर होम सॉरी ये साइंस के जो फॉर्मूले होते हैं जैसे H2O और ये जो इस तरह के फॉर्मूले होते हैं उस तरह के फॉर्मेट को दिखाने के लिए कर सकते हैं देखो सपोज हम देखेंगे कि ये जो अभी हमने देखा था वो एक्चुअली ये था ठीक है वो सबस्क्रिप्ट था ओके सो फ्रेंड्स देखो इस तरह के जो इसमें ये इस तरह के एग्जाम्पल्स में हमेशा ये होता है कि आप अगर मान लो कोई साइंटिफिक फार्मूला लिख रहे हो ठीक है जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला है वो क्या है H2SO4 ठीक है तो H के बाद जो 2 आएगा वो नीचे की तरफ होगा आपके राइट साइड ठीक है तो वो क्या हुआ आपका अभिषेक ये निष्ठा सर वो नंबर ऑफ एटम्स को बताते हैं कि कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसमें जुड़े हुए हैं तो दो एटम्स जुड़े हुए हैं यस सो बेसिकली सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हम यूज करेंगे आपके इक्वेशन और साइंटिफिक फार्मूलास डिफाइन करने के लिए ठीक है मैथमेटिकल साइंटिफिक फार्मूलास को डिफाइन करने के लिए ठीक है टेक्स्ट इफेक्ट अभी टेक्स्ट के भी अलग अलग इफेक्ट्स हैं वो भी हम बाद में देखेंगे टेक्स्ट हाइलाइट कलर स्प्लिट बटन स्क्रीन शेयर बंद हो गई अच्छा स्क्रीन शेयर बंद हो गई यस सर यू योर स्क्रीन इज नॉट स्क्रीन शेयर जूम मीटिंग कंट्रोल्स अभी यस सर अभी है दैट विजिबल ओके टास्क स्विचिंग डॉक्यूमेंट 1 - वर्ड टू मूव टू एन आइटम प्रेस द अपर रिबन Go, shrink, menu, clear, fold, italic, under, strike, subs, superscript, menu, text, highlight, yes. color, split button, yellow, text, result, highlight, split. color. ठीक है आपको अगर मान लो कि कोई color highlight करना है text, ठीक है तो यहाँ से आप उस color को highlight कर सकते हो select करके ठीक है तो by default ये मेरा yellow है ठीक है यहाँ पे आप चाहो तो color choose कर सकते हो font, dot, 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 button to move, superscript button not checked to move through the menu, text. Text highlight color split button yellow press alt plus down arrow for more options alt followed by H I font color split button red press alt plus down arrow for more options alt followed by text highlight color split button yellow press alt plus down arrow for more options text का color बोल रहा है अब tab की press करेंगे तो font color split button red font का भी color होता है ठीक है so ये font color है text font color split button red press alt plus down ये बता रहा है red तो ये red by default है
टैब की प्रेस करेंगे font dot 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 button to move through the controls font dot 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 button मतलब ये फॉन्ट के अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं paragraph bullet split button press alt plus down numbering split button press alt plus down arrow for more options alt followed by h n numbering split button menu multi-level list submenu to move through the controls multi-level list submenu decrease indent button to decrease move through indent. The increase indent button increase indent button sort dot 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 button to move through the controls on this ribbon show all button not checked to move through the control align left button checked to move through the control देखो यहां पे align left है center button not checked to move through the control align right button, button not checked to move through the controls on this ribbon justify, justify button. Button not checked to move through the controls on this ribbon menu line and paragraph line spacing submenu to move through shading split button RGB left parent 0 0 shading. 0 right parent press alt border split button paragraph. Paragraph dot 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 button to move through submenu styles button collapsed to move through the controls on this ribbon use styles dot 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 button style to move through the dot controls button. On this ribbon use tab editing find split button press alt replace dot 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 button to menu select submenu to leaving menus collapse the ribbon button not check ribbon tabs tab expanded type the search and use the share button not file tab but quick access tool undo typing split button and repeat button on the menu customize tool phase add or submenu ribbon display option leaving menus upper ribbon home tab to switch pages sir option hi mil raha kaun sa dhoond rahe ho nahi nahi main sirf aapko dikha raha hu theek hai ki home tabs mein kya options available hai okay aur alag alag tabs mein kya kya options available hai theek hai to humne home tab ke sare options dekh liye ओके हम एक्चुअली कल से प्रैक्टिकल देखेंगे मैं सिर्फ आपको इन सब में ऑप्शंस क्या क्या होते हैं ये दिखा रहा हूँ अभी ओके सो फ्रेंड्स ओके या सो अभी जो है हमने होम टैब के सारे ऑप्शंस देखे अब देखिए मैं अगर मुझे दूसरे टैब पे जाना है तो मैं राइट की यूज करूँगा क्योंकि हमारे टैब्स हमेशा लेफ्ट टू राइट डिस्प्ले होते हैं और उसके ऑप्शंस जो है हमेशा उसके अंदर डिस्प्ले होते हैं ठीक है अभी मैं राइट की प्रेस करूंगा इंसर्ट टैब द स्विच पेजेस प्रेस कंट्रोल प्लस टैब ऑल फॉलो बाय इट इस मीनिंग का मतलब क्या है इसका मतलब इंसर्ट क्यों हम इंसर्ट क्या इंसर्ट का मतलब क्या है बेसिकली किसी चीज को लगाना किसी चीज में कुछ डालना जैसे हमने थोड़ा लिखा insert. थोड़ा सा लिखा किसी पेज में और हमें अब उस पेज पे कुछ नहीं लिखना हम चाहते yes. हैं वो उतना ही सही तो हम ब्लैंक पेज अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देते हैं और उसका ऑटोमेटिकली जो हमारा फोकस होता है वो नेक्स्ट पेज पे जो हमने इंसर्ट किया होता है उसी yes. पे आ जाता है अलर्ट मस्ट कैन आईफोन दैट लोअर हैंड ठीक है सो बेसिकली देखो जैसे हम फॉर्मेटिंग में हमने होम टैब में देखा हम क्या क्या कर सकते हैं तो ये इंसर्ट टैब में हम चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं जैसे आप कवर पेज इंसर्ट कर सकते हो ठीक है आप ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हो अभी देखिए अब जैसे होम टैब में हमने देखा कि उस टैब के अंदर हम कैसे नेविगेट कर रहे थे शिफ्ट टैब या टैब से राइट तो जैसे अब इंसर्ट टैब पे आएंगे अगर हमें इंसर्ट टैब के अंदर के ऑप्शन देखने तो हम सेम तरह की नेविगेशन यूज़ करेंगे टैब और शिफ्ट टैब अब मैं इंसर्ट टैब में हूँ मेरा फोकस है Home, insert अब मुझे इसके tab, अंदर के ऑप्शन देखने तो मैं टैब की प्रेस करूँगा menu, देखो यहाँ पे कवर पेज सब मेन्यू मतलब कवर पेज सब मेन्यू है तो इसके क्या इसके ये खोलेंगे तो क्या होगा अंदर अंदर अलग अलग डिजाइन के कवर पेजेस होंगे इसमें से चूज करके आप इंसर्ट कर सकते हो कवर पेज ठीक है मैं टैब की प्रेस करूँगा जब हम इंसर्ट देखेंगे ना इंसर्ट पेज या इंसर्ट कवर वो तब हम दिखाएंगे आपको सब प्रैक्टिकल देंगे डोंट वरी तब कहाँ क्या इंसर्ट होगा कब कहाँ क्या इंसर्ट करोगे तो कहाँ इंसर्ट होगा बताएंगे डोंट वरी ओके निष्ठा अभी ज़्यादा बस अभी कंफ्यूज मत हो बस ये ऑप्शंस को समझो और देखो नेविगेशन कैसे होता है ठीक है देखो पेज ब्रेक बटन टू मूव थ्रू द कंट्रोल कवर पेज के बाद है ब्लैंक पेज बटन मतलब आप यहाँ पे अगर एंटर करोगे तो इंसर्ट यहाँ पे भी आप हो फाइल में आप कहीं भी हो अगर आप ब्लैंक पेज का ऑप्शन चूज करोगे और एंटर करोगे उस पर तो ब्लैंक पेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा मतलब नया पेज लग जाएगा ठीक है
पेज ब्रेक बटन टू मूव थ्रू द कंट्रोल्स ऑन दिस. ठीक है, पेज ब्रेक हम क्यों यूज करते हैं बेसिकली बताइए. अलर्ट मस्ट इन आईफोन रेज हैंड. महक बताओ पेज ब्रेक. सर पहले तो मैं आंसर देना चाहती हूँ, फिर क्वेश्चन भी है मेरा एक. सर आंसर पहले मैं देती हूँ. पेज ब्रेक हम बेसिकली जैसे पूरा पेज अगर खत्म नहीं हुआ है, हमने कुछ लिखा और हम जैसे एक चैप्टर का असाइनमेंट हमारा खत्म हुआ लेकिन वो पेज खत्म नहीं हुआ और दूसरा चैप्टर शुरू हो गया, हमें दूसरे चैप्टर का असाइनमेंट शुरू करना है तो पेज चेंज करते हम उसी को बोलेंगे पेज ब्रेक. करेक्ट, ठीक है. और सर मेरा क्वेश्चन है. हाँ बताइए. पिछले ऑप्शन से रिलेटेड ब्लैंक पेज. सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, जैसे अगर हमें पेज इंसर्ट करना ही है तो हम मतलब कंट्रोल एंटर के थ्रू नए पेज पे जा सकते हैं, अनलिमिटेड पेज है, फिर क्यों ये ऑप्शन दिया गया है हमें? बताता हूँ ठीक है. अब देखिए, अब मान लो कि आपने कोई प्रपोजल तैयार कर लिया, ठीक है, किसी सीएसआर का. जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, मुझे हमेशा का काम है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेरा रोज का काम है कि सारे प्रपोजल्स पर मतलब जितने भी प्रपोजल्स तैयार होते हैं सीएसआर के, ठीक है, वो सारे प्रपोजल्स मुझे मेरे पास चेकिंग के लिए आते हैं, ठीक है, मतलब चेकिंग के लिए एक्चुअली सब कुछ फाइनलाइज वही करते हैं लेकिन बस एक कन्फर्मेशन के लिए या फिर चेकिंग के लिए वो मेरे पास आते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि जैसे मान लो आप कुछ नोट्स निकाल रहे हो, ठीक है, महक, और हो सकता है कि आपने 10 पेजेस के नोट्स निकाल लिए, ओके, उसमें आपने अलग अलग पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है, लेकिन आपको बाद में याद आया कि यार ये 5 और 6 के बीच और एक पॉइंट होना चाहिए था या फिर और एक पेज मुझे लगता है कि इंसर्ट होना चाहिए था लेकिन मैं वो भूल गई या फिर मैं वो भूल गया करना, ठीक है. तो आप क्या करोगे, पेज 5 में आप फोकस रखोगे, पेज 6 पे, ठीक है, तो वहां पे अगर आप पेज को ब्लैंक पेज इंसर्ट करोगे तो योर पेज 6 विल बिकम अ ब्लैंक पेज और जो पेज 6 था वो दैट विल बिकम एज पेज 7. सर पर अगर वहीं पे हम फोकस रख के कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो नहीं होगा? हो जाएगा सर. सॉरी, मतलब टॉप ऑफ द पेज में जाकर कंट्रोल एंटर प्रेस कर दो, इंसर्ट हो जाएगा. हाँ वैसे भी कर सकते हो. अच्छा वैसे टॉप ऑफ द पेज में आके, राइट. हाँ ओके सर. ठीक है, तो ब्लैंक पेज का यूज यही है कि अगर मान लो कि आपको, देखिए वैसे तो पेज ऑटोमेटिकली मतलब जब हम किसी पेज की लिमिट खत्म हो जाती है टेक्स्ट टाइप करते करते तो ऑटोमेटिकली द पेज विल इंसर्टेड ऑटोमेटिकली, राइट. यस सर. हाँ लेकिन अगर हमें बीच में कहीं पे इंसर्ट करना है, अरे यार मैं ये भूल गया क्या करूँगा, तो फिर वहाँ पे आप इंसर्ट कर लो ब्लैंक पेज और वहाँ से वहाँ पे आपके जो बचे हुए पॉइंट्स है जो आप भूल गए थे वो लिख लो. है ना? ओके सर, गॉट इट. या अब ब्लैंक पेज के बाद है मेन्यू टेबल सब मेन्यू टू यस पेज ब्रेक बटन मेन्यू टेबल सब मेन्यू टू मूव थ्रू द कंट्रोल्स. टेबल इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है. पिक्चर्स, पिक्चर्स सब मेन्यू इंसर्ट कर सकते हो, फोटोज. हेलो सर. यस सर, पेज ब्रेक के बारे में एक बार सर बता दीजिए, हमको समझ में नहीं आया. देखो ब्रेक पेज पेज ब्रेक मतलब, देखो हम जब सीखेंगे ना हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में. अच्छा, सिर्फ ऑप्शंस देख लो. ओके ओके ओके. सब मेन्यू फॉलो बाय सब मेन्यू, ठीक है. पिक्चर्स के बाद है शिफ्ट सब मेन्यू. आइकॉन्स बटन टू मूव, आइकॉन्स भी हम इंसर्ट कर सकते हैं. अब वो क्या है वो भी देखेंगे बाद में, डोंट वरी. 3D मॉडल्स विद बटन, स्मार्ट डॉट डॉट बटन टू मूव, चार्ट डॉट 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 बटन टू मूव थ्रू. देखिए अब स्क्रीनशॉट भी हम इंसर्ट कर सकते हैं. ओके वो कैसे यूज करना है वो भी हम दिखाएंगे आपको, डोंट वरी. Adaptations, get adaptations button to move through the controls. My adaptations, Wikipedia button to media online video dot 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 button to move through the links link button to move through the controls. Online videos या फिर आप चाहो तो offline भी videos आपके आपके पास PC में save है तो वो भी insert कर सकते हो. Link button, links button, hyperlink आप insert कर सकते हो.
कौन बना सकता है, क्या है ऑब्जेक्ट, किसको पता है? ये बहुत ज्यादा मजेदार फीचर है। ठीक है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी। सिंबल्स इक्वेशन स्प्लिट बटन प्रेस ऑल प्लस डाउन मेन्यू सिंबल्स अप मेन्यू टू मूव लगाते हैं तो सर उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं शायद। वेट कहते leaving menus, collapse the ribbon button, not checked, that, ribbon tabs, tab expanded, type the search in, share button, file tab, quick access tool, undo typings, and repeat, menu, customize toolbars, play as add or sub menu, ribbon display options, leaving menus, upper ribbon, insert tab, the switch page. अगर same way, अब मैं क्या करूँगा, मुझे अगर दूसरे tab में जाना है, तो मैं फिर से left arrow, right arrow use करूँगा. Insert tab, draw tab, the switch. Design tab, the switch pages, press control. Layout tab, the switch pages, press control. References tab. अब मैं tabs के बीच navigate करने के लिए left और right का use कर रहा हूँ, ठीक है? Mailing tab, the switch pages, press control. Review tab, the switch pages, press control. View tab, the switch pages, press control plus tab, alt followed by W. Help tab, the leaving menus, type the search in new space. Alert, Muskin's iPhone, space. Escape, edit. Yes. Alert, Frisbee yes, Rod's raised hand. सर आप राइट लेफ्ट एरो से नेविगेट कर रहे हैं। हाँ तो, देखो मैं बताता हूँ। ओके, आप अगर टैब्स के बीच नेविगेट करना है ना तो लेफ्ट और राइट कीज। ओके सर, ठीक है। और टैब्स के अंदर के ऑप्शंस, मतलब मान लो आप होम टैब पे हो, होम टैब्स के अंदर के ऑप्शंस अगर आपको देखने हैं तो आप टैब और शिफ्ट टैब का, टैब है अगले ऑप्शन के लिए और शिफ्ट टैब है पिछले ऑप्शन के लिए। इनको आप मेन मेन्यू भी कह सकते हो और जो उसके अंदर ऑप्शंस हैं उनको सब मेन्यू। यस, यू कैन सी लाइक दिस, मेन्यू है वो सब मेन्यू, यानी कि ये अपर रिबन है वो लोअर रिबन है, ऐसे मेनली अपर रिबन लोअर रिबन कहा जाता है। यस, ठीक है, वर्ड की लैंग्वेज में। सो देखो सृष्टि, बताने का मतलब ये है कि आपको अगर होम टैब के अंदर के ऑप्शंस देखने तो आपका फोकस पहले होम टैब पे होना चाहिए, उसके बाद आप टैब या शिफ्ट टैब करोगे तो उसके अंदर सारे आपको होम टैब से रिगार्डिंग जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको वहां दिखेंगे। अगर आप इंसर्ट टैब पे जाके टैब या शिफ्ट टैब करोगे तो आपको सारे इंसर्शन ऑप्शन मिलेंगे। ओके सर, एक्चुअली ये हम डाउन एरो से भी उसके सब मेन्यू में जा सकते हैं, उसके बाद टैब क्यों मतलब यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके जो सब मेन्यू ऑप्शन होते हैं ना वो ऐसे डिजाइन होते हैं, वो ऊपर नीचे होते हैं, राइट लेफ्ट एरो से उसमें नेविगेट कर देगा, बट वो उसमें कुछ ऑप्शंस में नेविगेट नहीं करेगा, क्योंकि वो डिजाइन इस तरह से ऑप्शन होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, तो वो टैब ही प्रेफर इसलिए की जाती है। यस, ठीक है फ्रेंड्स, सो डोंट वरी गाइस, कल से हम इन सब चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, डोंट वरी। ओके, अगर आपको कुछ अभी चीजें कुछ समय में नहीं भी आई हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कल से हम एक एक चीज बिल्कुल डिस्कस डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो आई थिंक आज हमारा इंट्रोडक्शन टू फॉर्मेटिंग ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर मैं भी मेरा स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। एस्केप मीटिंग कंट्रोल्स टू मूव टू अ नाइट ऑल। यस फ्रेंड्स, सो अभी आप आपके कुछ सवाल हो आज से टॉपिक से रिगार्डिंग तो वो पूछ सकते हैं। वैसे हम कल से प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं, ठीक है, तो कल से आप हो सके तो आपका लैपटॉप भी साथ लेके आइएगा तो उसकी आपको हेल्प हो जाएगी। सर यस सर, मैं आज की क्लास का फीडबैक देना चाहूंगी। हाँ दे दो। आज क्योंकि मेरा लैपटॉप मेरे साथ था
क्योंकि जो जो आप करवा रहे थे साथ साथ मैंने भी सब कुछ किया, तो मैं कहूँगी आज की क्लास, क्योंकि ऑल्दो मेरा लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ मतलब सब कुछ था मेरे पास, तो आज की मैं कहूँगी ज्यादा इफेक्टिव, मुझे बहुत मजा आया आज. राइट, इसलिए हम प्रेफर सब कुछ कर रही थी. यस, तो इसलिए हम रेफर करते हैं कि हमेशा ज्वाइन करो तो लैपटॉप से ज्वाइन करो, ठीक है. लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के पास अच्छी कनेक्टिविटी ना हो, है ना, तो वो भी चक्कर है. लेकिन जहाँ तक हो सके लैपटॉप से या कंप्यूटर से ही ज्वाइन करें तो बेहतर होता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल समझने में फिर उतनी ये नहीं आती, डिफिकल्टी नहीं आती. सर, एंड टाइम पे ना मेरा लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई. नो वरीज, आप अभी कल सेशन से पहले आप उसको चार्ज कर लो. ओके सर, लगा दी है मम्मी ने. नो वरीज. ओके ओके यस, अभी कुछ सवाल है तो वो पूछिए इस टॉपिक से रिगार्डिंग. थैंक यू मैं फीडबैक के लिए. सर कोई नहीं सर, आई थिंक इस टॉपिक से रिलेटेड शायद किसी के सवाल नहीं होंगे सर, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है. ठीक है, तो जैसे ही हम कल देखेंगे, कल और चीजें कल से देखेंगे, सारी चीजें डिटेल में जब पढ़ेंगे तो एक बार पूछ लो सबके सवाल उभर के आ जाए आपस में. एक बार पूछ लो सबसे, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो. यस, किसी को भी सवाल है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, अगर नहीं है तो फिर क्लास खत्म हो रही है और मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने वाला हूँ. ओके, नो वरीज, आज वैसे भी कोई टेंशन लेने की जरूरत थी नहीं. ठीक है, आज सिर्फ हमारा ये इंट्रोडक्टरी सेशन था और मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ. ओके.